में आप लोग सब आए और मुझे पता चला कि और भी बहुत लोग हैं जो आना चाहते थे, लेकिन मेरे पास मरी में इतनी बड़ी कोई जगह नहीं थी, हुकूमत की कोई फैसिलिटी मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। तो तहमीना दौलताना साहिबा को हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपना जो ये जगह है ये हमें दी, और खुद आई रात को जब इनसे बात हुई तो खुद आई और इन्होंने कहा कि मेरे अपने बच्चे हैं तो मैं आऊंगी और मैं खुद उनकी होस्ट बनूंगी, तो एक दफा इनका भी शुक्रिया अदा करें। देखिए आज जिस किस्म के हालात से पाकिस्तान दोचार है उसमें जो हमारी पाकिस्तानियत है ना, हमारी हुब्बुल वतनी, हमारी पाकिस्तानियत कतई नजर इससे कि हम किस सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं या किस सियासी नजरिए के पैरोकार हैं। मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो पाकिस्तानियत है वो आज हम सबको आवाज़ दे रही है, हमारा मुल्क आज सबको आवाज़ दे रहा है। इस मुल्क को पिछले कई साल में इतने जख्म लगे हैं, इतने जख्म लगे हैं, चाहे वो मईशत के ऊपर जो कारी ज़रबें लगी हैं, और आज मईशत का ये हाल मैं आपको बताऊं कि मईशत का, मैंने पहले भी ये बात अपनी तकारीर में कही कि जब हम हुकूमत से बाहर थे तो हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत ICU में है, पाकिस्तान में महंगाई जो है वो अरूज पे है, गरीब के पास रोटी नहीं है, गरीब के पास आटा चीनी नहीं है, मरीज़ के पास दवाई नहीं है, और वो हुकूमत इतनी बेहिस हुकूमत थी कि 4 साल उन्होंने सवाए इंतकाम के या सरकारी वसाइल अपनी ज़ात पर खर्च करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और नतीजा ये हुआ कि अच्छा भला 2017-18 का तरक्की करता हुआ पाकिस्तान आज हर शोबे में तनज़ली का शिकार है। और उसके अंदर मैं अगर आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पे है तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि इस बात में 0% एग्जैजरेशन है। IMF के साथ जो मुआहदा इमरान खान करके चला गया था 30 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल बढ़ाने का, और IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रखकर चला गया, स्टेट बैंक को, ये पहले ये कहते हैं ना इनके खिलाफ साजिश हुई आलमी, इससे बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कभी किसी ने नहीं की जो इमरान खान करके गया। IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख के चला गया, और यहां तक कि कभी किसी 75 साल में पाकिस्तान में किसी डिक्टेटर की हुकूमत में भी ये बदनुमा दाग किसी हुकूमत पर नहीं लगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी रख गया इमरान खान IMF के पास, और वो कानून बना गया कि जो भी स्टेट बैंक करेगा उसको कोई अदालत भी नहीं हाथ लगा सकती। तो ये जो जिसको अंग्रेजी में लैंड माइंस कहते हैं ना, जो ये जगह जगह लैंड माइंस बिछा गया है, तो ये हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, और कड़वा कड़वा घूंट भरना पड़ रहा है शहबाज शरीफ साहब को। कल रात को मेरी शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग हुई तो मुझे पता चला कि इस वक्त क्या हालात हैं, और आप ये देखें कि ये इतना बड़ा नाअहल और नालायक था, इसकी प्रायोरिटीज़ इतनी गलत थी कि पाकिस्तान के तमाम वो दोस्त ममालिक जो कभी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की सफ में खड़े होते थे, आज सारे दुश्मनों की सफ में ये अपनी बेवकूफ़ियों से धकेल गया है। एक मुल्क में जाता था तो दूसरे मुल्क की चुगली और बुराई करता था, दूसरे मुल्क में जाता था तो तीसरे मुल्क की चुगली और बुराई करता था, और सऊदी अरब जैसे पाकिस्तान के देरीना दोस्तों के बारे में इसने वज़ीर आज़म होते हुए जो बद कलामी की, जो बुरे कलमात अपनी ज़बान से अदा किए, वो हमारे तमाम दोस्तों तक पहुँचे, और वो पाकिस्तान से नाराज़ थे। ये वो पाकिस्तान के साथ ये लैंड माइंस पाकिस्तान के ये बिछा के गया। कल प्राइम मिनिस्टर से जब मैं मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कल, सबने देखा होगा TV पे लाइव आ रहा था, जो चाइनीज़ के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, चाइनीज़ बिजनेस के ग्रुप्स के साथ, तो उन्होंने ये शिकायत की, उनमें से कुछ लोगों ने ये शिकायत की कि हम लोग इतने मायूस थे इस इमरान खान हुकूमत के दौर में और इनकी हरकतों की वजह से, प्लीज़ डिस्टर्बेंस पैदा ना करें, सिक्योरिटी को मैं कह रही हूँ कुछ नहीं कर रहे, वो बच्चे आराम से खड़े, उनको खड़ा रहने दें, आप लोग भी बेटा आराम से। देखो कितनी ज़रूरी बातें ये पूरे पाकिस्तान के बच्चों को और नौजवानों को, मैं KPK की SMT के थ्रू मैं उनसे मुखातिब हूँ।
तो उन्होंने कहा कि पिछले कई 4 साल तो हम बहुत मायूसी के गुजारे और शुक्र किया आप लोग आए हैं, और आज वजीर आजम साहब तुर्की जा रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि आपको, आप लोग जानते हो कि वो तुर्की क्यों जा रहे हैं? वो तुर्की इसलिए जा रहे हैं कि तुर्की ने जो पिछले मुस्लिम लीग नून के दौर में 2013 से लेकर 2018 तक जो दौर था, उसमें तुर्की ने जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स की थी पाकिस्तान में, जो उन्होंने बहुत सारे मंसूबे लगाए थे, वो इतनी बुरी तरह उनको क्रश किया गया। हालांकि वो किसी की जात का मंसूबा नहीं था, वो पाकिस्तान के फायदे के लिए वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई थी, वो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। फॉर इंस्टेंस आप ले ले लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि तुर्की लोग चला रहे थे। आप जानते हैं कि इमरान खान हुकूमत ने उनको, अपनी हुकूमत आने के बाद, न सिर्फ उसको बंद किया लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, बल्कि तुर्की लोगों को उठाकर इन्होंने कमरों में बंद करके फिजिकली मारा उनको। तो वो सब बिजनेस कम्युनिटी जो है, जिसके सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के जो हक में थे पाकिस्तान में, वो तो तातुल का शिकार थे, वो खत्म हो गए थे। और टर्की के जो बिजनेस कम्युनिटी है वो सब नाराज थे। तो शहबाज शरीफ साहब, आज इमरान खान ने जो तबाही की थी उसका अजाला करने, और वो जो बिजनेस वेंचर्स थे, जो इन्वेस्टमेंट्स थी, उनको दोबारा से शुरू करने के लिए आज टर्की जा रहे हैं। और फिर आप देखें कि आज कितना अजीब वक्त है पाकिस्तान के ऊपर, कितना क्रूशल वक्त है पाकिस्तान के ऊपर, कि कह रहे हैं कि ये जहाद है, इस जहाद में निकलो। मैं पूरे वसूख के साथ ये बात, जो आपको मालूम है, मैं कहना चाहती हूं कि ये फसाद, ये जहाद नहीं है, ये फसाद है, और इस फसाद को रोकना ऐन जहाद है। आप देखें कि इसने खुद कल एक इंटरव्यू में एतराफ़ जुर्म किया कि मेरे लोग मुसल्ला थे लॉन्ग मार्च में, जिसको इन्होंने, सॉरी ये बंद हो गया, इसको देखें, चले चल पड़ा। इसने कल अपने एक इंटरव्यू में ये एतराफ़ जुर्म किया, अल्लाह ताला इंसान के मुंह से चीजें निकलवाता है, कि इसने, ये तो मुझे पता है कि इसकी चेहरे से विजिबल है कि जब से इसका लॉन्ग मार्च तारीखी नाकामी से दोचार हुआ है, तो इसके चेहरे पे परेशानी के भी आसार हैं, इनकी जमात में भी लड़ाई है, और वो खुद इमरान खान की इस पॉलिसी से तंग हैं। तो उसी फ्रस्ट्रेशन में, जबकि मैंने इसको मशवरा दिया था कि ऐसी हालत में कभी भी मीडिया के सामने नहीं आते, नींद की दवाई खा के सो जाते हैं घर में, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं डैमेज कंट्रोल करूं, तो उसी डैमेज कंट्रोल में इनके मुंह से कल निकल गया ये इतराफ़ जुर्म इसने कर लिया कि मेरे लोग मुसल्ला थे, मेरे लोगों के पास हथियार थे। तो हुकूमत पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान और हमारा इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्ला, जब ये लॉन्ग मार्च आ रहा था तो क्या कह रहे थे? वो भी तो यही कह रहे थे कि हमारे पास इंटेल रिपोर्ट्स हैं कि ये मुसल्ला लोग लेकर, जत्थे लेकर विफाक पे हमलावर, पाकिस्तान पे हमलावर हो रहे हैं। और लाहौर में जिस दिन लॉन्ग मार्च होना था, उसी दिन लाहौर के एक इनके बहुत अहम ऑफिस होल्डर जुबैर नियाजी, क्या नाम है उसका, उसके घर से इतना ज्यादा असला निकला कि लग रहा था कि वो लोग किसी जंग पे जा रहे हैं। और कल इसने खुद एतराफ किया कि हाँ, मेरे लोगों के पास असलहा था। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब आपके पास ये असलहा था, तो आप किस नियत से वफाक के ऊपर हमलावर होने आ रहे थे? कोई इनके पास अब ये जवाज नहीं रह गया कि ये कहें कि लॉन्ग मार्च हमारी सियासी एक्टिविटी है, हमारा जमहूरी हक है, या हमारा पुरअमन एहतजाज है। मुझे ये बताएं कि पुरअमन एहतजाज, आज हमारा पुरअमन जलसा है, इसमें कितने लोगों के पास हथियार है?
मेरे कितने जलसे हुए माशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून कारकुनान जिंदाबाद। बेटा एक मिनट, गिलानी एक मिनट। मेरे इतने जलसे हुए, किसी एक के पास भी कोई हथियार नहीं था, क्योंकि हमारा मकसद शर फैलाना नहीं है, हमारा मकसद फितना फैलाना नहीं है, हमारा मकसद फसाद फैलाना नहीं है। तो ये जो इनका फसाद था ना, जो निकाब था इनके चेहरे पे कि हमारा जमहूरी हक है, हम तो पुरअमन, वो पुरअमन जो है ना, वो पुरतशद्दद तहरीक में बदल चुका है। और मैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, उन्होंने कल ये बयान दिया टीवी पर, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स को इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब ये है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला आवर हो जाऊंगा। मैं खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को इस्तेमाल करके पाकिस्तान और विफाक पर हमला करूंगा। मुझे जरा बताना, अगर यही बयान हमजा शहबाज शरीफ, जो वजीर आला पंजाब है, उसने दिया होता कि मैं पंजाब की फोर्स को इस्तेमाल करके विफाक पे हमला आवर हो जाऊंगा, या किसी और सूबे पे खुदा न खास्ता हमला आवर हो जाऊंगा, या यही बयान अगर जो सिंध के वजीर आला हैं मुराद अली शाह साहब, अगर उन्होंने ये दिया होता कि मैं अपनी फोर्स को इस्तेमाल करूंगा, सिंध की फोर्स को, ये बयान कोई और नहीं देगा, क्योंकि जितनी भी सियासी जमातें हैं सब मुहिब्बे वतन सियासी जमातें हैं, आपस में इख्तलाफात सबके हैं और होते भी हैं। सियासी इख्तलाफात किस जमात के नहीं होते एक दूसरे के साथ, हमारे भी हैं, लेकिन जहां पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है, हुब्बुल वतनी की बात आती है, तो पूरा पाकिस्तान एक जगह खड़ा होता है, पाकिस्तान के सब्ज और सफेद झंडे के साए के नीचे। तो मैं ये समझती हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो गयूर अवाम है, खैबर पख्तूनख्वा के जो गयूर पख्तून हैं, जिनकी सदियों पुरानी रवायात हैं, उन्होंने हमसे भी पहले इमरान के अजाइम को समझ लिया। इसीलिए, क्योंकि मैं खैबर पख्तूनख्वा से आज बात कर रही हूं, तो इसीलिए उन्होंने इमरान के लॉन्ग मार्च में हिस्सा ना लेकर उसको नाकाम बनाया। सबसे पहले पख्तूनों ने, मेरे गयूर पख्तून भाइयों ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने इमरान के मकरूह अजाइम को पहचाना। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि चाहे वो पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे, वो बच्चे शहीद हुए, इमरान की इक्तदार की हवस की भेंट चढ़े। तो मैंने मर्दान में भी जो फैमिली जिसके बच्चे शहीद हुए, मैंने उनके साथ भी इजहार ताजियत किया, और लाहौर में भी अगर पीटीआई का मैंने सुना है कि कोई कारकुन शहीद हुआ है, मैं उनकी फैमिली से भी एक बार फिर ताजियत भी करती हूँ, उनके लिए दुआ गूँ कि अल्लाह ताला उन बच्चों के दर्जात बुलंद करे। लेकिन मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि एक शख्स ने, जिसने अपनी कुर्सी की खातिर पख्तूनों के बच्चों को क्यों मरवाया, क्योंकि उसने उन पख्तूनों के बच्चों को इस जंग में, जो कि जाती जंग है, फसाद है, इंतशार है, उसमें झोंका, क्या कसूर था उन बच्चों का? कहां है इमरान खान के अपने बेटे? जहाद तो अगर जहाद है तो जहाद तो आप पे भी फर्ज है, मुझ पे भी फर्ज है, पाकिस्तान के हर मुसलमान पर फर्ज है। तो जहाद तो हर मुसलमान पे फर्ज है, तो इसके बच्चे भी मुसलमान है, जरा आए जहाद में, तमाम जो फ्रंट लाइन है जहादियों की उसमें खड़े हों। लोगों के बच्चे और इमरान के बच्चों में फर्क है? क्या फर्क है उनमें कि वो इमरान खान के बच्चे और ये गरीब आवाम के बच्चे, ये पख्तूनों के बच्चे? और फिर क्या फर्क है एक दहशतगर्द में और इमरान खान में? दहशतगर्द भी इसी तरह हमलावर होते हैं हथियारों के साथ पाकिस्तान पर, विफाक पर, एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाते हैं। कल जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने बयान दिया है, वो एक सूबे को वफाक से लड़ाना
और एक सूबे को दूसरे सूबों से लड़ाने की बड़ी घिनौनी किस्म की साजिश है कि मेरा अगर इक्तदार नहीं रहा तो मैं हर जगह आग लगा दूंगा, ना उसमें मेरी कोई पाकिस्तानियत है ना फिर उसमें मुझे किसी का कोई ख्याल है। तो ये तो एक ये अजाइम सिर्फ और सिर्फ एक दहशतगर्द के होते हैं। तो क्या फर्क है इमरान खान में और दहशतगर्द में? तो मैं आज सारे कानून और आईन नाफिज करने वाले इदारों से ये सवाल करती हूं कि क्या ऐसे दहशतगर्द को जो खुलेआम अपनी दहशतगर्दी का इतराफ करे क्या उसको खुली छुट्टी मिलेगी? रद्दुल फसाद जब हमने लड़ी तो वो दहशतगर्दों के खिलाफ थी ना, वो टेररिस्ट भी सामने खड़ा करके वर्दी में मलबूस हमारे फौजी भाइयों को और हमारे पुलिस के भाइयों को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सीनों में गोलियां उतारा। मरी में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज तकरीब से खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम बेहतरीन काम कर रही है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त आईसीयू में है। गुज़श्ता हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से हर शोबा तनजली का शिकार है। इमरान खान के IMF के साथ मुआहदे की वजह से पेट्रोलियम मसला। अगर आपने फसाद करना है तो फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी एक नया रद्दुल फसाद आपके खिलाफ लॉन्च करेगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो जो रद्दुल फसाद दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ा गया था ना, दहशतगर्दी अभी भी उस वक्त भी पाकिस्तान की पॉकेट्स में थी, उन्होंने सियासी निकाब नहीं ओढ़ा हुआ था। ये दहशतगर्दी, ये जो मुसल्ला तहरीक है जिसका गैंग लीडर इमरान खान है, वो मुसल्ला तहरीक इसलिए दहशतगर्दों से ज्यादा खतरनाक है कि उन्होंने सियासी जमात का निकाब अपने चेहरे पे चढ़ाया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि हाँ, अगर तुमने दहशतगर्दी करनी है, अगर तुमने फसाद करना है, अगर तुमने फितना करना है, अगर तुमने इंतशार फैलाना है, तो अपना ये निकाब अपने चेहरे से सियासी जमात का हटाकर आओ और फिर रियासत पाकिस्तान से अपना मुकाबला करो। देखेंगे कौन जीतता है इंशाल्लाह। रियासत पाकिस्तान जीतेगी, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। और इस मुसल्ला जद्दोजहद जिसको कह रही है, जो फसाद और फितना और शर ये फैला रहा है, उसका मकसद क्या है? गोगी बचाओ, गोगी पे अभी आती हूं मैं, ठहर जाओ। उसका मतलब नहीं क्या है? सब कुछ फेक है, गोगी नेक है, गोगी इतनी भी नेक नहीं, अभी मैं उस पर भी आती हूं। बात ये कि ये क्यों ये कर रहा है, जो ये कर रहा है, उसकी दो वजूहात हैं। उसकी एक वजह तो ये है, इसको पता है कि अगर अक्टूबर नवंबर गुजर गया तो इसने जो साजिश रचाई है ना, वो नाकाम हो जाएगी। इसकी साजिश थी कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर अगला इलेक्शन भी चोरी कर ले और अगले 5 साल भी धोखे से धांधली से अपने नाम कर ले। वो वक्त इसको गुजरता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, क्या मकसद है इस इंतशार और फितने का? इसका मकसद इमरान खान की जाती अना है और अना को इसलिए ठेस पहुंची है कि इसके अपने लोगों ने सियासी तरीके से, आईनी तरीके से इसकी हुकूमत को उठा के बाहर फेंका है। पार्लियामेंट ने इसको उठा के बाहर फेंका है। पाकिस्तान के अवाम ने, जिनकी नुमाइंदगी MNAs और MPAs करते, उन्होंने उसको उठा के बाहर फेंका है। इसकी कुर्सी चली गई है। उस कुर्सी जाने की वजह से इसके सर पर इतनी बुरी चोट लगी है कि इसको ये भी भूल गया है कि पाकिस्तान का नुकसान करने पर यह तुला बैठा है। तो अगर मुल्क का इतना ही एहसास था और ये जो कुर्सी लेना चाहता है वापस, उसका क्या मकसद है? कुर्सी लेकर भी ये वही करेगा जो पिछले 3.5-4 साल में अपनी हुकूमत में इसने किया। आज ये इंसान एक सेकंड अपनी कारकर्दगी पे नहीं बोल सकता। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा कि मैंने IMF से डील की, IMF के हाथ पाकिस्तान को गिरवी रखा, डॉलर को 105 से मैंने 190 पे पहुंचाया, आटे को मैंने 35 रुपए से 90 रुपए पे पहुंचाया,
अभी इमरान खान की हुकूमत का 40वां नहीं हुआ और 80 रुपए से शहबाज शरीफ ने आटा 40 रुपए किलो कर दिया। क्या बताएगा कि मुफ्त इलाज छीना लोगों का, अद्वियात छीनी मरीजों से, आटा महंगा किया, चीनी महंगी की, बिजली महंगी की, आज जो लोड शेडिंग हो रही है, मुझे इतनी तकलीफ है उस लोड शेडिंग की, बहुत घंटे हो रही है, मुझे पता है इस बात का। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये लोड शेडिंग जो आज हो रही है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है उस लोड शेडिंग को खत्म करने के लिए। ये सारा खजाना जो है ना खाली कर कर गया है, पेमेंट्स नहीं की हुई पावर प्लांट्स की, पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास, टाइम पर इन्होंने ऑयल नहीं मंगवाया, तेल नहीं मंगवाया, प्लांट्स बंद पड़े हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस लोड शेडिंग को खत्म किया जाए, और ये लोड शेडिंग पीएमएलएन के ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि पूरे पाकिस्तान ने देखा कि 2013 में जब नवाज शरीफ को हुकूमत मिली तो लोड शेडिंग 22-22 घंटे पाकिस्तान में हो रही थी। 3 साल के अंदर अंदर अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ ने जिन्नात की तरह काम किया और नए पावर प्लांट्स लगाए और लोड शेडिंग को जीरो पे लेकर आया। जब हम आपको 2018 के अंदर, जब हम पाकिस्तान से हमारी हुकूमत को जब खत्म हुई, तो हम पाकिस्तान को जीरो लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान देकर गए थे। अगर उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ और उस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ अगर लोड शेडिंग को ठीक ना करते, तो आज पूरे पाकिस्तान में 22 नहीं 24 घंटे की लोड शेडिंग होती। किसी और जमात ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम नहीं किया जितना काम नवाज शरीफ अकेले ने और मुस्लिम लीग नून ने किया। कोई भी पाकिस्तान का मंसूबा उठा के देख लें, अल्लाह ताला के फजलो करम से उसके ऊपर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की मोहर है। तो क्या ये जिस हुकूमत को वापस छीनना चाहता है, जिस हुकूमत के कुर्सी की जाने की इसको इतनी तकलीफ है कि ये पूरे पाकिस्तान में आग लगाने पे तुला हुआ है, मैं ऑनेस्टली ये उस बंदर की तरह है जिसके हाथ में माचिस है और जिसको खाने को अगर कुछ नहीं मिला तो वो तैयार है कि पूरे पाकिस्तान को आग लगा देगा, अपने इर्द गिर्द आग लगा देगा, इसकी मिसाल आज वही है। तो मैं पाकिस्तान की हुकूमत तुम आज हासिल कर भी लो तो तुमने पाकिस्तान के साथ वही करना है जो पिछले 4 साल में किए, अपने अलावा हर किसी को जेल में डाल दिया, हर किसी से बदला लिया, हर किसी से इंतकाम लिया, और पाकिस्तान के मसाइल से, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के मसाइल से ये बेखबर रहा। इसको बेखबरी नहीं कहते, इसको बेहिसी कहते हैं। हड हराम तो वो होता है ना जिसको काम करना आता हो लेकिन उससे सुस्त हो, ये सुस्त भी है और इसको काम भी करना नहीं आता, उल्टा काम करना आता है, सीधा काम करना नहीं आता। नवाज शरीफ बाद में तो मैं, और आज आप देखें इसकी ज़हनी हालत, जो एटम बॉम्ब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की सालमियत और हिफाजत के लिए बनाया था, आज ये बंदा इतना इसका दिमाग फिर गया है कि ये कहता है कि इससे तो अच्छा है कि पाकिस्तान के ऊपर एटम बॉम्ब गिरा दो। वो एटम बॉम्ब पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए था, वो पाकिस्तान की तरफ मैली नजर उठा के देखने वालों के लिए था, वो पाकिस्तानियों के लिए नहीं था। और फिर आवाजें देता रहा एस्टेब्लिशमेंट को कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कभी जरदारी साहब के पांव में बैठ गया, जितना मर्जी तुम इनकार करो, पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 1 या 2 रातें पहले इसने जरदारी साहब के पास बंदे भेजे और उनको कहा कि जरदारी साहब को कहें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा ना बने तो मैं जरदारी साहब के साथ मिलके चलूंगा। जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, इसका वक्त अब गुजर गया, इट्स टू लेट, और ये इट्स इम्पॉसिबल। इसने पूरी कोशिश की, जिनको दिन में 3 स्टूजेस कहता था, दिन में गाली निकालता था, दिन में कहता था कि ये मोरे हैं, ये इंटरनेशनल साजिश के मोरे हैं, इन्होंने अमेरिका के ये स्टूजेस हैं, रात को उसी जरदारी साहब के पांव पकड़ता था। ये है इसकी असल हकीकत। और उसके बाद जब इसको नजर आ गया कि इसका लॉन्ग मार्च तो नाकाम होने जा रहा है,
क्योंकि लॉन्ग मार्च के लिए बिल्डअप की ज़रूरत होती है, अवाम के अंदर जोश और जज्बे की ज़रूरत होती है, अवाम के जो इकट्ठा करने की ज़रूरत होती है। तो इसको नज़र आ गया था दो दिन पहले कि अवाम के अंदर ना कोई जोश है ना जज्बा है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तर वसाइल इसने खर्च करके, मैं खैबर पख्तूनख्वा की अवाम से दोबारा पूछना चाहती हूँ कि वो जो हेलीकॉप्टर जिस पर ये लैंड किया था इनकलाब के अंदर, वो हेलीकॉप्टर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का था, वो फरा गोगी का नहीं था। जो वसाइल इन्होंने सरकारी गाड़ियां जिस तरह इस्तेमाल की, सरकारी टेंट इस्तेमाल किए, यहां तक के जो वफाक पे हमला आवर होने के लिए जो जत्था ये लेकर आए थे उसमें जो आंसू गैस के शेल शामिल थे वो भी खैबर पख्तूनख्वा से चुराए हुए थे। क्या ये खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर नहीं लगना चाहिए था पैसा उनके अवाम के ऊपर? और आज आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में आज आटे का बहरान है, और वहां पर ये जो कहता था कि अमरीका को मैंने ललकारा है, अमरीका जो है वो मुझसे डरता है, मैं इतना बड़ा लीडर हूं, अमरीका को ललकारने वाला लीडर आज गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा हुआ है। और आप देखो, सुन ले ना, सुन ले, और ये आज उसमें वहां पर छुप के बैठा है, और खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला वफाक पे हमलावर होने की तैयारी कर रहा है वहां पर किसी को ख्याल? पेशावर में बैठे हुए हैं लेकिन ख्याल नहीं आ रहा कि अवाम को आटा चाहिए, अवाम को रोटी चाहिए, क्योंकि इससे इनका कोई सरोकार नहीं है। पहले ये आवाजें देता रहा इस्टेब्लिशमेंट को, वहां से आवाज नहीं आई। जिस नंबर पे ये कॉल्स कर रहा था वो नंबर तो बदल गया था, और बाकी के लोगों ने अगर सबक सीखा और उन्होंने अपने आईनी और कानूनी रोल तक अपने आप को महदूद करने की उन्होंने एक फैसला किया, तो इसको समझ आ गई कि अब वहां से भी मेरी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। ये उनको पुकारता रहा, फिर उनको पहले पुकारता रहा मदद के लिए, जब वो मदद को नहीं आए उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर इसने उनको धमकाना शुरू कर दिया। उनको कहता है मीर जाफर, मीर सादिक, इसकी पूरी जिंदगी मोहसिन कुशी से भरी पड़ी है, उधर से शुरू हो जाएं माजिद खान से लेके अलीम खान तक, इसने हर उस शख्स को डसा जिस शख्स ने इसके ऊपर एहसान किया। और आज ये इस्टेब्लिशमेंट जो कि इसके मोहसिन थे उनको मीर जाफर और मीर सादिक कह के बुला रहे। जब वहां से इनकार हुआ तो ये अब अदलिया को आवाजें दे रहा है, अदलिया को अपनी नाकाम और जो क्या कहते हैं फितना परस्त सियासत में अदलिया को घसीट रहा है। कल मैंने टीवी में देखा तो अदलिया से इस तरह मुखातिब था जिस तरह अदलिया को हुक्म दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दे रहा है। दूसरे लफ्जों में सुप्रीम कोर्ट को कह रहा था कि मुझे हर जगह से ना हो गई है, अवाम ने भी मुझे मुस्तरद कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट से भी ना हो गई, सियासी जमातों ने भी मुझे ना कर दी, तो अब एक अदलिया और सुप्रीम कोर्ट बचते आए और मेरी जान बचाएं और मेरा लॉन्ग मार्च कराएं। तो मैं अदलिया से भी बहुत अदब से ये गुजारिश करना चाहती हूँ, मैं अदलिया को डिक्टेट ना कर सकती हूँ ना करूंगी, मोहतरम इदारा है, पाकिस्तान का इदारा है, तो मैं अदलिया से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इसकी गंदी और इंतशारी सियासत का हिस्सा मत बने। ये अदलिया के चंद जजेस को भी साकिब निसार बनाने का इरादा लेके निकला हुआ है। साकिब निसार का सवाए, क्योंकि साकिब निसार साहब ने इतने जालिमाना फैसले किए और इतने यकतरफा फैसले किए कि अब सवाए इमरान खान के साकिब निसार साहब की कोई जाय पना नहीं है। तो ये अब अदलिया में भी एक साकिब निसार ढूंढ रहा है, ये इस्टेब्लिशमेंट में भी उस नंबर को ढूंढ रहा है जो नंबर बंद हो गया। तो अपनी जो बंदूक है ना, जो तुमने तानी हुई है पाकिस्तान के आईन की तरफ, पाकिस्तान के कानून की तरफ, पाकिस्तान की सियासत की तरफ, पाकिस्तान की तरक्की की तरफ, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की तरफ, उस गंदी बंदूक को अदलिया के कंधों पे रख के चलाने की कोशिश मत करो। अदलिया को
अपनी सियासत से दूर रहने दो। अदलिया को भी ये फैसला करना पड़ेगा कि आज ये उनको अगर इस्तेमाल करेगा तो कल ये उसी अदलिया को गली चौकों चौराहों में गाली निकालेगा। ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। और फिर आप बात सुने, जब मुंह खोलता है तो गलाजर टपकती है। क्या इस तरह का, मैं दोबारा से आज ये बात कहती हूं कि जब तक इमरान खान इस सियासत में है, पाकिस्तान को लिख के देती हूं, जब तक इसकी गहराव जलाओ की सियासत को रोका नहीं जाता, पाकिस्तान एक इंच भी तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। और ये जो कहता है ना, हमारा तो पुरम मार्च था तो मैं तो इसलिए वहां से भाग गया, चला गया, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि लोग जो है वो यहां लड़ाई हो जाएगी, खून हो जाएगा। भाई और कितनी लड़ाई होनी थी? पूरा इस्लामाबाद, पूरा दारुल खिलाफा पाकिस्तान के वफाक की अलामत को आपने आग लगा दी, इसके पीछे और क्या बचता है? कभी किसी ने जंगों में भी दरख्तों को आग नहीं लगाई। जब दरख्त जले थे तो मेरा दिल जल रहा था, जब वो ग्रीन बेल्ट जल रही थी तो मेरा दिल जल रहा था। लोगों को कहता था मैं कितने अरब दरख्त लगा रहा हूं, वो एक अरब दरख्त जो थे वो सारे खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों की पॉकेट्स में चले गए। और अवाम को कहता था एक अरब दरख्त लगा रहा हूं, पूरे इस्लामाबाद के दरख्त जला दिए, ग्रीन बेल्ट जला दी। तो वो इस्लामाबाद मुस्लिम लीग नून का तो नहीं है, वो इस्लामाबाद हुकूमत पाकिस्तान का तो नहीं है, वो इस्लामाबाद 22 करोड़ अवाम का है। वो पाकिस्तान की, वो इस्लामाबाद हुकूमत का नहीं है, वो इस्लामाबाद पाकिस्तान की अमानत है। और जब तुमने देखा कि लोग नहीं आए, तुम्हें मुस्तरद कर दिया लोगों ने, तो तुम ये बहाना बना के निकल गए और बाद में आके कहते हो कि एक छोटी सी तकरीर करके तुम दौड़ गए और बाद में आके लोगों को ये कहते हो कि मैंने उनको रोका हुआ था क्योंकि वहां पर आग और खून और फसाद हो जाना था। इससे ज्यादा फसाद और क्या होता है? इसके बाद बाकी क्या बचता है? पुलिस वालों के सीनों में तुमने खड़े होकर गोलियां मारी, इसके बाद और कौन सा फसाद बचता है? तुम्हारे लोगों के घरों से असला बरामद हुआ, इसके बाद अब कौन सा फसाद बचता है? पूरे इस्लामाबाद में तुमने आग लगा दी, उसके बाद अब क्या बचता है? लेकिन शाबाश है पाकिस्तान के अवाम को कि उन्होंने इस फितने को सबसे पहले पहचाना। और फिर कहते हैं, कल मैं इनकी एक खातून रुकन है उनका स्टेटमेंट पढ़ रही थी, कहते हैं हमारे लिए रास्ता खोले, फिर देखें इनकलाब कैसे आता है। इनकलाब रास्ते खुलने से नहीं आता, इनकलाब बंद रास्तों को खोलकर अपना रास्ता बना के आता है। तो अगर ये कहेंगे हमने तो इनकलाब लाना था लेकिन सामने राना था, राना सनाउल्ला तो था, राना सनाउल्ला तो था, राना सनाउल्ला रहेगा इंशाअल्लाह, राना सनाउल्ला इस धरती का बेटा है, राना सनाउल्ला का फर्ज है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को इंतशार फितना और फसाद से बचाए। तो अगर सुन लो ना, तहमीना आंटी आप सुन रही हैं, वो कह रहे हकीम राना सनाउल्ला, राना सनाउल्ला आज पूरे पाकिस्तान का हीरो है। और जब आप किसी के साथ जुल्म करते हो, ज्यादती करते हो, नाइंसाफी करते हो तो फैसले आसमान से आते हैं। ये वही राना सनाउल्ला था ना जिसको तुमने हेरोइन का झूठा मुकदमा डालकर उसके ऊपर तुमने उसको बंद किया सलाखों के पीछे, वो याद है ना कि जान अल्लाह को देनी है। और आज अल्लाह ताला का फैसला आया तो आज वही राना सनाउल्ला इनके आगे पाकिस्तान के लिए दीवार बनकर डट के खड़ा है। हकीम
तो राले राले राना राले अच्छा अब एक और बात, वो जो मैं कल नवाज शरीफ साहब को कह रही थी, मैंने कहा मेरे जितने भी माशाल्लाह जलसे हुए 50 डिग्रीज में 45 डिग्रीज में दुनिया जिस तरह निकली और जिस तरह उन्होंने हमारी बात सुनी, साथ खड़े हुए आके अवाम, तो मैं सबको खराज तहसीन भी पेश करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने कल मियाँ साहब को एक बात कही, मैंने कहा कि क्राउड की तरफ से जितना रिस्पांस फराह गोगी के नाम पे आता है, इतना किसी के नाम पे नहीं आता। अच्छा आप ठहर जाओ, अब फराह गोगी को नैब ने नोटिस भेजा कि जवाब दो, ये लूट मार जो तुमने की है इसका जवाब दो, अपने जाती मुलाजमों के नामों पे, अपने कुक्स के नाम पे, अपने नौकरों के नाम पे। तो कल नैब ने कहा कि फराह गोगी साहिबा का जवाब आया उनके लॉयर के जरिए कि फराह गोगी साहिबा तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, इसलिए उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, तो फिर उसको वजीर आला पंजाब के ओहदे पे किसने बिठाया था? फिर अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी तो किसने उसको ये इख्तियार दिया था कि करोड़ों रुपया रिश्वत लेकर वो लोगों की पोस्टिंग ट्रांसफर्स और तब्दीलियां कराए? किसने उसको ये हक दिया था कि पंजाब के अवाम का माल बटोर कर वो सीधा बनीगाला की ट्रेन पर चढ़ाए जो सीधा अहलिया मोहतरमा के पास जाती है? और जो कुछ ये कर चुके हैं ना, वो कौम के सामने इंशाल्लाह हर चीज आएगी। वो जो एक रूहानी यूनिवर्सिटी बन रही थी, उसके लिए जमीन कहां से आई? वो रिंग रोड के पास जो 200 कनाल जमीन थी, वो कहां से आई और किसने दी और कैसे उसमें माल बनाया? किस तरह पंजाब के और पाकिस्तान के अवाम के हक पे फराह गोगी ने डाका डाला और वो पैसा कहां जाता था? सीधा बनीगाला के महल जाता था, इस भूल में ना रहना। फराह गोगी इमरान खान की और उसकी पीरनी की फ्रंट वुमन थी। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जब लूटमार हो रही थी, जब अवाम का हक खाया जा रहा था, उस वक्त फराह गोगी ऑफिस होल्डर थी? अब जब जवाब देना पड़ा है तो पीछे छुप गए हैं कि वो ऑफिस होल्डर नहीं थी। मरियम नवाज कौन सी ऑफिस होल्डर थी जिसको नैब ने पकड़ा? क्या मरियम नवाज वजीर आजम थी, वजीर आला थी, वजीर थी, मुशीर थी, क्या थी? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए खड़ी थी। मुझे मेरे बाप के सामने ये बंद हो गया फिर माइक, एक मिनट। मेरा जुर्म क्या था? मेरा जुर्म ये था कि मैंने जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई थी। मैं भी कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, तो मैं भी नैब को बड़े आराम से ये कह सकती थी कि सॉरी नैब, मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, मैं आपका जवाब नहीं दे सकती। लेकिन मैंने डट कर नैब के जुल्म का मुकाबला किया। मैंने 60 दिन नैब में, 57 डेज मैं नैब में रही, सॉलिटरी कंफाइनमेंट, 24 घंटे कमरे में बंद। नैब के मजालिम मैंने सहे। अडयाला में मैं 4 महीने बंद रही, जहां मेरी वालदा की वफात हो गई। कोट लखपत में मैं अपने वालिद को मिलने गई। उन दिनों मैं अपने वालिद की रिहाई के लिए, क्योंकि अरशद मलिक साहब की, वो जो जज अरशद मलिक मरहूम है, उनकी एक उनकी गवाही सामने आई थी जिससे ये दुनिया को पता चल गया कि नवाज शरीफ बेगुनाह है। तो मैं उसकी बेगुनाही के लिए, उसकी जो कोर्ट से उनकी इंसाफ के लिए मैं जगह जगह जलसे कर रही थी। तो इमरान खान को तकलीफ हो गई, मैं अपने वालिद को कोट लखपत जेल मिलने गई, वहां पर मेरे वालिद के सामने उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। और जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया, जिस इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे गिरफ्तार किया, आप जानते कि 2 साल बाद आज भी वो मुकदमा नहीं बना, क्योंकि बन सकता ही नहीं था।
इकामा भी झूठ था, पैनामा भी झूठ था, सारे इल्जामात झूठ थे। आज जो ये कहता है, आज जो ये कहता है कि सारी काबीना जो है वो जमानत पे है, तो वो सारी काबीना इसलिए जमानत पे है कि इमरान खान तुमने झूठे मुकदमात में उन सबको इंतकाम के लिए अंदर कराया। और ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये बड़े फख्र की बात है कि मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ समेत, हमजा शहबाज समेत, नवाज शरीफ समेत, मरियम नवाज शरीफ समेत, शाहिद खाकान अब्बासी, राणा सनाउल्ला, एहसन इकबाल, जितने भी मिफ्ता इस्माइल साहब, साद रफीक साहब, हनीफ अब्बासी साहब, अमीर मकाम साहब, सलमान रफीक साहब, ये सब जमानतों पे हैं, लेकिन ये जमानतों पे इसलिए हैं कि तुमने इंतकाम पर मबनी झूठे केस इन पर बनाए थे। और फखर की बात यह कि इन सब ने सीना तान कर डट कर तुम्हारे मजालिम का मुकाबला किया। तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हारी तरह नहीं कि गिरफ्तारी से छुप के बनी गाला में छुप के बैठे हो, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल के ऊपर सांप बन के बैठे हो। मैंने सुना है कि वहां पर टिक्के और सब कुछ चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, सब तो वो सब वहां पर चल रहा है, सब वहां पर चल रहा है, वो सब खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है जिसको ये बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके दुम्बे भी बात करते हैं। तो बात ये के हकायक को जान के जियो। और जितनी दिन इमरान खान आज पेशावर के बंकर में जाके गिरफ्तारी के डर से छुप के बैठा है ना, और जहां पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसकी तवाज़ो और आओ भगत में लगी है और वफाक पे हमला करने की तैयारी कर रही है, मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को यह कहना चाहती हूँ और मैं गयूर पख्तूनों को यह कहना चाहती हूँ कि जितना पैसा उन पर खर्च हो रहा है, अगर ये पैसा खैबर पख्तूनख्वा के आवाम पर खर्च होता, जितना टाइम अब केपी के वजीर आला हाउस में इमरान खान बैठ के लगा रहे हैं, इतना टाइम अपने उस पिछले 10 साल में उसने खैबर पख्तूनख्वा पे लगाया होता तो खैबर पख्तूनख्वा में भी तरक्की आज लाहौर की तरह हुई होती। बैठते हैं अगर कहीं जाकर तो खिदमत के लिए नहीं बैठते, तकरीबकारी के लिए बैठते हैं। और फिर कल परसों में सुन रही थी एक नया प्रोपेगेंडा, क्योंकि झूठा खत जो है उसकी उसका तिया पांचा हो गया, झूठी साजिश के ड्रामे का तिया पांचा हो गया, मैं मुझे जान का खतरा है, मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा उसका तिया पांचा हो गया, लॉन्ग मार्च का तिया पांचा हो गया। तो अब एक अचानक नई बात आई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने शायद कोई वफद इसराइल भेजा है। एक मिनट, वो कतई नजर इस बात से कि इसने क्या इल्जाम दिए, इसके अपने लोग उस वफद में शामिल है जो इसके फाइनेंसियर्स हैं, उसका हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत पाकिस्तान आज भी अपने फलस्तीनी बहनों और भाइयों के साथ खड़ी है और इसराइल से बात करना तो क्या कभी मुड़ के इसराइल की तरफ नहीं देखेगी। मैं लेकिन दूसरों पे तुम इल्जाम लगाते हो तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में अगर कोई वाहिद शख्स है जिसके ताने बाने सीधे इसराइल से मिलते हैं, जिसके खानदानी लिंक्स और कनेक्शंस इसराइल के साथ हैं, उसका नाम है इमरान खान। और ये वही है जिसने पूरी दुनिया के सामने एक मुसलमान पाकिस्तानी के लिए के मुकाबले में, जब मेयर का इलेक्शन आया लंदन के मेयर का, उसने पाकिस्तान के मुसलमान के मुकाबले में एक इसराइली जैक गोल्डस्मिथ की, जो इसका साला था, इसने उसकी कैंपेन चलाई। तो मैंने ट्वीट भी किया था, मैं दोबारा भी कहना चाहती हूं कि अगर इस किस्म के घटिया प्रोपेगेंडे की तरफ तुम आए भी ना तो तुम्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। और आखिर में मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से इस SMT के जरिए और अपने खिताब के जरिए और पाकिस्तान के तमाम नौजवानों से, माओं से, बेटियों से, बहनों से, बुजुर्गों से, भाइयों से मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ
कि एक शख्स जो पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के सकून, पाकिस्तान के चैन पर हमला आवर है, उस शख्स को उसका इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएं। तो ये मेरी एसएमटी जो है ये केपीके में वापस जाके ये अपना मैसेज अपने गलियों में मोहल्लों में देगी, और जितना इसने पाकिस्तान की मईशत का और पाकिस्तान के हर शोबे का नुकसान कर दिया है, हमारी माशी इकदार का नुकसान कर दिया है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के कुरानी आयात पढ़कर ये औरतों पे जुमले कसना शुरू हो जाता है। तो इसके लोग कंफ्यूज्ड हैं इसके लोग कि इस्लामिक टच देना है कि म्यूजिक का टच देना है कि क्या टच देना है। तो मजहब को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करने वाला, मजहब को अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ हथियार बना के इस्तेमाल करने वाला, इससे ज्यादा बड़ा खतरनाक शख्स और फितना पाकिस्तान में हो नहीं सकता। तो सब मिलके ये फैसला करें कि मुस्लिम लीग नून की हकूमत के, इतिहादियों की हकूमत के, शहबाज शरीफ साहब की हकूमत के हाथ मजबूत करेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि पाकिस्तान में अमन होगा, सुकून होगा, चैन होगा, हकूमत को काम करने दिया जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की सरबराही में शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम हमें मिला है, हम इंशाअल्लाह ताला चंद माह में पाकिस्तान को इन बहरानों से निकाल कर ले जाएंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। अब इसके बाद अब सोशल मीडिया की जो हमने मीटिंग करनी है वो आलमगीर आप आए और अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बताएं, और उसके बाद हम इसमें फैसला करेंगे कि इसको और बेहतर कैसे करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मरी में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम